तो उन्होंने पार्टी बनाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 9th और 10th सितंबर फिरोजशाह कोटला दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई। फाउंडर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव। 30 अक्टूबर 1928 को मैं पहले बता चुका था आपको, पंजाब के गरम दल के बड़े नेता शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय जब साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे, लाहौर जो कि पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, और पुलिस लाठीचार्ज के अंदर शहीद हो गए थे। लाठियों द्वारा उनको पीटा गया और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। युवाओं को बड़ा झटका लगा और युवाओं को लगा ये हमारे देश के इतने बड़े नेता को इस प्रकार बेरहमी से ब्रूटल कैसे मारा जा सकता है, करारा जवाब मिलेगा। भगत सिंह जो कि पूरी तरीके से सेक्युलर बंदे थे, धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे, जो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, जबकि लाला लाजपत राय उतने हिंदूवादी नेता थे, प्रो हिंदू आइडियोलॉजी वाले नेता थे, और भगत सिंह और लाला लाजपत राय के विचार मिलते ही नहीं थे। इवन 1924 के आसपास लाला लाजपत राय ने कोई हिंदुओं के पक्ष में एक बयान दिया था और मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया था। भगत सिंह विरोध करना चाहते थे खुलेआम, तो लाला लाजपत राय के लिए कैसे बोला जाए, इतने बड़े नेता थे। भगत सिंह पढ़ाकू थे, बहुत अधिक पढ़ा करते थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता है द लॉस्ट लीडर, खो गया हमारा नेता। उन्होंने एक कविता लिखी जब वर्ड्सवर्थ जो था वो स्वतंत्रता का हिमायती नहीं रहा था, स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं रहा था, तब रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उस पर कविता लिखी थी द लॉस्ट लीडर। भगत सिंह वो कविता जानते थे, उन्होंने एक पेज पर वो कविता लिखी, एक पोस्टर बनाया, उस पर कविता लिखी और साइड के अंदर लाला लाजपत राय का फोटो लगाकर लाहौर की दीवारों पर वो पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे और लिखा गया कि हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता नहीं, हम वीणा के इस तार के बिना भी संगीत की गूंज को अनुप्राणित करते रहेंगे। मतलब जो लड़का वैचारिक रूप से लाला लाजपत राय के खिलाफ है, आइडियोलॉजिकली उनकी बातों को नहीं मानता है, वो लड़का लाला जी की हत्या के बाद इतना उद्वेलित हुआ कि उसी ने प्लानिंग किया कि लिस्ट बनाओ लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, और पता चला कि लाला जी की हत्या के लिए जिम्मेदार जेम्स स्कॉट है। जेम्स स्कॉट नाम का अफसर है और उसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ था और उसने ये किया है। क्रांतिकारियों ने लाहौर में अपना डेरा जमाया, एक घर किराए पे लिया जिसका नाम था मोजंग हाउस। उस मोजंग हाउस में वो सारे क्रांतिकारी रहते थे। जयदेव कपूर और शिव वर्मा की ड्यूटी लगाई गई कि तुम जाओ रेकी करो, स्कॉट कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या ड्रेस है, क्या व्हीकल है उसका। शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने 10-12 दिन की देखी के बाद बताया कि साहब इतने बजे आता है, इतने बजे जाता है, मोटरसाइकिल लेके आता है। कहा गया अब जाएगा कौन, 3 लोग स्कॉट को मारने के लिए जाएंगे, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। उधर जयदेव वहां पर खड़ा रहेगा, जैसे ही बाइक निकलेगी वो बताएगा कि यही आदमी, राजगुरु गोली मारेगा, जब बाइक से गिर जाएगा तो भगत सिंह गोली मारेंगे और चंद्रशेखर आजाद ध्यान रखेंगे कि उसकी सहायता करने के लिए, अंग्रेज की सहायता करने के लिए कोई दूसरा नहीं आता हो। महावीर सिंह राठौड़ बाहर जीप लेके खड़ा रहेगा और जब ये भागेंगे तो उस जीप में बैठकर वापस मोजंग हाउस आ जाएंगे। पूरी प्लानिंग 22-23 साल के लड़कों में क्या गजब की क्रांतिकारिता की भावना थी, वो युवा जोश, उमंगों का जोश होता है, जज्बातों का जोश होता है। कॉलेज में लड़ाई करने जाते तो कुछ यूं प्लानिंग क्या करते थे, हालांकि प्लानिंग ज्यादातर उन दिनों में फेल ही हो जाया करती थी, पर ऐसी प्लानिंग तो करते थे। इन लोगों ने भी प्लानिंग की, बदकिस्मती उस दिन स्कॉट ऑफिस ही नहीं आया। गोरे सारे एक जैसे ही लगते थे, वैसे ही बाइक लेके आया हुआ था जॉन सॉन्डर्स, और जैसे ही जॉन सॉन्डर्स निकला बाहर, जयदेव ने उधर से इशारा किया कि आ रहा है सल्टा दो। राजगुरु आए बीचों बीच और राजगुरु ने एक गोली मारी, एक गोली से नीचे सड़क पे भगत सिंह आए और पूरी धड़ 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 8 गोलियां मारी उसके, जमीन पे ढेर कर दिया।
पुलिस मुख्यालय के बाहर खड़े थे चन्नन सिंह, सरदार चन्नन सिंह, अंग्रेजों की पुलिस के एक सिपाही। उन्होंने जब देखा कि हमारे साहब को मारा जा रहा है, उनकी वफादारी का खून दौड़ा। भले ही अंग्रेज हो पर अपने साहब हैं, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। और चन्नन सिंह भागे, साहब को मार दिया, साहब को मार दिया। चंद्रशेखर आजाद वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम वापस चले जाओ, तुम इंडियन हो, हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। चन्नन सिंह नहीं माने, जैसे पास आने लगे चंद्रशेखर आजाद ने बंदूक निकाली और चन्नन सिंह को मार दिया। वहां से तीनों भागे और बाहर महावीर सिंह जीप लिए तैयार खड़े थे, उनको बिठाया और वहां से मोजंग हाउस वापस आ गए। एक भी लड़का गिरफ्तार नहीं हुआ। उल्टा जब वो आए तब उनको पता चला कि हम जिसको मार कर आए वो स्कॉट नहीं है, वो सैंडर्स है। लड़कों ने एक पोस्टर तैयार किए वापस, पूरे लाहौर में वो पोस्टर लगाए जिनमें लिखा कि सॉरी, हम स्कॉट को मारने गए थे पर गलती से सैंडर्स मारा गया, लेकिन हमें इस बात का भी रिग्रेट नहीं, क्योंकि सैंडर्स भी उसी एम्परलिस्टिक पावर का एक सिंबल है, जिस साम्राज्यवादी सत्ता ने अपने सत्ता के नशे के अहंकार के अंदर हमारे इतने बड़े नेता को सड़क पर बीचों बीच लाकर लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। बदला लिया जाना जरूरी था, यह बताया जाना जरूरी था कि खून जमा नहीं है अभी तक, यह बताया जाना जरूरी था कि हम अब थप्पड़ का जवाब मुक्के से देंगे, ये बताया जाना जरूरी था कि नया भारत है जो घुसकर मारेगा। अब मुझे लगता है उस दिन स्कॉट को जब ये बात पता चली होगी तो उसने कहा होगा, बोंगेसा महाराज, सो सलाम महाराज, आपको आज जो आपने बचाया है मेरे को, हर शनिवार आपके तेल पका चढ़ा दूंगा मैं। पोस्टर लगाने के बाद शहर में दिन दहाड़े हत्या करने के बाद वो लड़के गिरफ्तार नहीं हो पाए। केवल एक निशानी अंग्रेजों को, एक लड़का सिख है, जूड़ा रखता है, बाकी कोई निशानी नहीं मिली। लाहौर पंजाबियों का गढ़, सिख ही रहा करते थे लाहौर के अंदर। सिखों को, लड़कों को पुलिस पकड़ पकड़ के लेके जाने लगी। जो भी घर के अंदर युवा लड़का बाहर आओ, शिनाख्त करवाई जाएगी। भगत सिंह को लगा गिरफ्तार किए जा सकते हैं। गुज्जू नाई को फ्लैट पे बुलाया गया और गुज्जू नाई ने फ्लैट पर भगत सिंह के बाल काट दिए। उसके बाद भगत सिंह ने अपना वो चीर परिचित फोटो खिंचवाया जिनके अंदर वो हेट लगा रखे हैं और मूछों पर वंट दे रहे हैं, वो फोटो उसके बाद का उनका पॉपुलर हुआ था। सारे क्रांतिकारी बेस बदल कर वहां से भाग गए। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखते तो उसमें फिर एक बहुत अच्छा सा सीन है जिसके अंदर भगत सिंह, राजगुरु और दुर्गा भाभी तीनों एक साथ लाहौर के रेलवे स्टेशन से निकलते हैं। भगत सिंह थोड़े गोरे चिट्टे थे, हेट लगाने के बाद एकदम अंग्रेज की तरह लगते थे और वो एक अंग्रेज का वेश बनाकर साथ में दुर्गा भाभी जैसे उनकी वाइफ है और साथ में राजगुरु जैसे उनका नौकर है जो उनकी अटैची लेके चल रहा है, और वहां से उस कड़ी जो एकदम वातावरण था, सुरक्षा जांच की जा रही थी, उस जांच के बीच से निकलते हैं। और वो मूवी देखोगे तो आप वापस देखोगे उसमें उस सीन कि एक ऑफिसर है, इंडियन ऑफिसर है, और वो एक एक आदमी के लिए करा जज के सामने लेके गए। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा ये लोग चाहते थे। क्या बोले हैं वहां पर ये लोग। मुझे लगता है उस अजय देवगन वाली लेजेंड ऑफ भगत सिंह के सबसे बेहतरीन सीन वो है जब भगत सिंह वहां ट्रायल रूम में, कोर्ट रूम में उनके सामने बोलते हैं। अब अखबार लगातार भगत सिंह के बारे में लिख रहे थे, हीरो था भगत सिंह देश का, 21 साल का नौजवान बढ़ चढ़ कर वहां पर अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा रहा था, देश के लिए गर्वोन्मत्त करने वाला विषय था। लोकप्रियता का आलम यह था कि भगत सिंह गांधी से भी अधिक लोकप्रिय हो रहे थे उन दिनों। अंग्रेजी सरकार को लगा कि यदि जनता का बहाव इस प्रकार से क्रांतिकारियों की तरफ होने लग गया तो ज्यादा दुखदायी होगा, तो क्या किया जाए। बम फेंकने के आरोप में तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा हो सकती है, थोड़ा लंबे टाइम तक और रख लेना, और तो क्या कर सकते हो, बंदा तो कोई मरा नहीं है उसके अंदर। किसी ने कहा साहब इस पर एक केस और है, लाहौर में सैंडर्स को मारने वाले में इसका नाम है, का केस रीओपन किया जाए। केस को रीओपन किया गया, भगत सिंह गिरफ्तार थे, उनके दो और साथी राजगुरु और सुखदेव भी गिरफ्तार किए गए, 8 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए,
आजाद एक बार फिर आजाद रहे, वो फरारी चलते रहे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। ये सुखदेव थापर और जतिन, सुखदेव और आगे राजगुरु का फोटो आ जाएगा, ये जतिन दास नाम याद रखना, अभी मैं बताऊंगा जतिंद्रनाथ दास। ये वो नोटिस है ढंग से पढ़ना, जो सैंडर्स को मारने के बाद उन्होंने लाहौर की सड़कों पर लगाया था, पोस्टर आफ्टर सैंडर्स मर्डर, नोटिस बाय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ब्यूरोक्रेसी बीवेयर, नौकर सही जाग जाओ, सावधान रहो। इसके अंदर उन्होंने वो पूरी तरीके से अपना लिखा कि हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। टुडे द वर्ल्ड हैज सीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट लाइफलेस, देयर ब्लड हैज नॉट बिकम कोल्ड। दुनिया देख रही है कि भारतीयों का खून ठंडा नहीं पड़ा है, आज हमने दिखा दिया ये सब। ये एक भगत सिंह की बुक है जो उन्होंने लिखी थी, इसका नाम है वाई आई एम एनाफिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, जो उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी, मैं आगे अभी उसकी बात और करूंगा, ये उनकी बुक है। वो आगे पढ़ते हैं, भगत सिंह राजगुरु जेल के अंदर जब खूब सारे क्रांतिकारी इकट्ठे कर लिए गए तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता वहां पे। मैंने बताया कि दो प्रकार के लोग होते थे, एक राजनीतिक कैदी, गांधी नेहरू इन सबको जेल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी, एक जिनको हिंसा के आरोपों में गिरफ्तार किया जाता था उनको किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। इन्होंने कहा कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कोर्ट में कि हिंसा हमने की है, तब तक हमें भी वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर को मिलता है। इसलिए हमें भी अखबार दिए जाए, हमें भी खाना अच्छा दिया जाए, हमें भी डायरी दी जाए, हमें भी पेन दिए जाए, किताबें पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए हमें भी, या जो भी भगत उनको नेहरू गांधी को जो भी सुविधाएं मिलती हो हमें भी दो। सरकार ने इसके लिए मना कर दिया, मना कर देना उनका भूख हड़ताल, यदि अच्छा खाना वगैरह नहीं दोगे तो भूख हड़ताल करेंगे। जतीन बाबू केमिस्ट्री के लेक्चरर्स, जिनको बम बनाने के लिए एचएसआरए में रिक्रूट किया गया था, बंगाली बॉय, जब भूख हड़ताल पर बैठने लगे तो उन्होंने कहा कि भगत सिंह मैं जब तक ये मांगे मान नहीं लेंगे तब तक भूख हड़ताल से उठूंगा नहीं, बीच में मत अड़ जाना कहीं पे। कहा ठीक है, लेकिन जिद पर वो केवल अकेला बंदा ही अड़ा रहा, बाकी सब लोगों ने धीरे धीरे भूख हड़ताल लिया, तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती तुड़वा दी। चार आदमी बाकायदा पकड़ते, एक आदमी पाइप लेके मुंह के अंदर डाल देता, दूध वगैरह डालने की कोशिश करते, और यदि कोई मुंह बंद कर लेता तो नाक के अंदर घुसेड़ दिया जाता। कहते हैं इनमें से एक क्रांतिकारी वो जो जीप चलाने वाला था, जिनको मोजन हाउस लेके आया था महावीर सिंह, वो पहलवान था, हट्टा कट्टा था, इसलिए उसकी थोड़ी जिम्मेदारी थी कि जब भी कोई ऐसा दूध पिलाने वाला आए तो वो उसके साथ में लड़ता और उसको भगाने की कोशिश करता है, एक दो का नाक वाक तोड़ने की कोशिश करता, पर फाइनली वो ज्यादा लोग होते तो पकड़ के इनको कुछ ना कुछ लिक्विड दे दिया करते थे। जतिन बाबू नहीं माने, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद में जतिन दास 13 सितंबर 1929 को शहीद हो जाते हैं। जब लाहौर से उनकी लाश कलकत्ता लेकर गए थे तो कलकत्ता के रेलवे स्टेशन में 600,000 लोग उस लाश का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। 2 मील लंबी उनकी शव यात्रा में कलकत्ता पूरा दुख मग्न हो गया था उस दिन। आप सोच के देखिए कि किसी की शव यात्रा में 600,000 लोग इकट्ठे हो गए होंगे, क्रांतिकारियों की क्या लोकप्रियता रही होगी। अंग्रेजी सरकार और घबराई, सरकार को लगा कि मामले गंभीर होते जा रहे हैं, इस प्रकार शहीदों को यदि हीरो बनाना लोगों ने शुरू कर दिया तो और लफड़ा हो जाएगा। फटाफट लाहौर वाले केस के अंदर कार्रवाइयां करनी शुरू की गई। इसी बीच बाहर चल रहे चंद्रशेखर आजाद अपने एक अन्य क्रांतिकारी दोस्त के घर का जब समाचार सुनते हैं कि उनके घर की हालत खराब है, उनकी मां बहुत ही गरीबी का जीवन यापन कर रही है, तब अपने किसी दूसरे क्रांतिकारी दोस्त को बुलाकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ पैसे देकर उसके घर भेजना चाहते हैं। मुखबिरों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने पूरी तरीके से इलाहाबाद के उस अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया और कहा कि सरेंडर कर दिया जाए। मां भारती का वो लाल जो कभी अंग्रेजों का अपने पर हाथ नहीं लगने देने पाया था, किस प्रकार सरेंडर कर सकता था। पुलिस के एनकाउंटर के अंदर चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ की ओर से गोलियां चलाते रहे, अंत में जब उस बंदे के पास केवल एक गोली बची थी, मुझे लगा कि ये भी चला दी तो गोलियां समाप्त हो जाएगी और उसके बाद अंग्रेज मुझे मार देंगे या पकड़ कर ले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता कि चंद्रशेखर पर कभी फिरंगियों के हाथ लग पाए। उन्होंने खुद अपने गोली मार ली थी। गोलियों की आवाज जब उस तरफ से आना बंद हो गई तो भी अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उस हुतात्मा के उस पवित्र देह के हाथ लगा सके। उन्हें फिर भी डर था कि कहीं जीवित बैठा हो और वेट कर रहा हो कि एक एक जैसे आएगा उनको मार दूंगा। धीरे धीरे आगे बढ़े, फाइनली जब लास्ट देख ली तो भी उनका डर नहीं जा रहा था। किसी इंडियन को आगे बढ़ाया कि तू देख मरा है कि नहीं मरा है।
उसने हिला के बंदूक बंदूक लेके देखा, उसने कहा साहब मर गया। वो चंद्रशेखर आजाद जो भगत सिंह की फांसी से लगभग एक महीने पहले 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए थे, 23 मार्च 1931 को लाहौर के सेंट्रल जेल के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को संघर्ष की हत्या के आरोप में फांसी लगा दी गई तथा 8 अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, जिनमें वो महावीर सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ग्यारसी लाल, खूब सारे लोग, यशपाल आदि खूब सारे लोग शामिल थे। इसे दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। पहला लाहौर षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन वालों का था और दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा सांदर सत्याकांड वालों का था। क्या ही अजीब संयोग है कि प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी पर चढ़े करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श मानते थे, उसी प्रकार आदर्श के पद चिन्हों पर चलते हुए भगत सिंह जेल चले गए थे और उसके बाद फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। कहते हैं कि उनको फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन लाहौर के आसपास के गांवों में जब पता चलना शुरू हुआ कि कल सुबह भगत सिंह को फांसी देंगे, तो लोगों के जत्थे वहां से निकलने शुरू हो गए थे। अंग्रेजी सरकार को लगा कि कल लोग जेल तोड़कर इनको आजाद करवा सकते हैं, इसलिए 23 मार्च को शाम को इन तीनों को फांसी लगा दी गई थी। कहा जाता है कि उनको जब फांसी दी गई थी तो जब उन तीनों को बेरक में कहा गया, सब क्रांतिकारी बाकी सब वहां पे बंद थे, सबको पता था कल सुबह फांसी लगाएंगे, पर अचानक शाम को जेलर गया और उसने सुखदेव और राजगुरु को जाकर कहा कि बाहर आ जाओ तुम्हें फांसी लगाई जाएगी। उन दोनों ने मना कर दिया कि ना रात अपनी है, सुबह लगाना जब सुबह की बात है तो, अब कैसे लगा सकते हो, पर नहीं खोल रहे हम तो, अंदर से लोगों को बंद कर लिए। तो एक बंदा भगत सिंह के पास गया और भगत सिंह को कहा कि सुबह वाली फांसी का टाइम चेंज करके अभी कर दिया गया, आपको अभी फांसी लगाई जाएगी। भगत सिंह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और सुबह जब उनके उस दिन सुबह को 23 मार्च की सुबह को जब भगत सिंह के जो वकील थे वो जब भगत सिंह से मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने भगत सिंह से पूछा था कि अंतिम इच्छा हो तो बता दे। भगत सिंह ने कहा कि रशियन रिवॉल्यूशन का हीरो था लेनिन और लेनिन की एक बुक है जो मैंने नहीं पढ़ी, आप मुझे वो बुक लाकर दे दो। जब शाम को जेलर ने आकर कहा कि इसी समय फांसी लगाई जाएगी, तब भगत सिंह के उस बुक के कुछ ही पन्ने बचे थे, बाकी वो बुक उस पूरे दिन में वो पढ़ चुके थे। क्या निडर निर्भय बंदा रहा होगा जिसे पता होगी कल फांसी लगेगी, पहले दिन बैठकर किताबें पढ़ता होगा। भगत सिंह हंसे उसकी तरफ और हंसकर कहा कि आपकी इजाजत हो तो ये इस किताब के 3-4 पन्ने सफ़े जो बचे हैं वो खत्म कर दिए जाएं। जेलर ने कहा कि समय नहीं, अब समय हो चुका है, आप बाहर आइए और सुखदेव राजगुरु को भी मनाइए। भगत सिंह जेल से बाहर आए और उन्होंने सुखदेव राजगुरु को भी कहा कि देश के लिए मरने का इससे सुनहरा अवसर क्या हो कि कल की जगह आज शाम कोई फांसी लगाई जा रही है। उन दोनों ने सुना तू तैयार है कि हाँ तो हम भी बाहर आ जाएं। तीनों बाहर आए, तब तक बाकी क्रांतिकारियों को नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा, लेकिन तीनों जब पुलिस उनको लेकर जा रही थी तब जोर जोर से वहां पे नारे लगाते हैं, इंकलाब, जिंदाबाद, साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, गीत गाते हैं, सरफरोशी की तमन्ना भी हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। उन तीनों को उस फांसी के तख्ते पर लेकर गए और पूछा गया कि अंतिम इच्छा हो तो बताई जाए, उनका हाथ खोल दिए जाए तो हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। हाथ खोले गए, तीनों आपस के अंदर गले मिले, उसके बाद उन तीनों को फांसी लगा दी गई। वो दिन 23 मार्च 1931 था। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी लगा दी गई है, देश के बहुत से घरों में उस दिन चूल्हा नहीं जला था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, आंखें रो रही थी, इतना उन्माद अन्य कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया जितना ये तीन युवा उत्पन्न कर गए थे। 1908 में पैदा होने वाला एक युवा 1931 में फांसी चढ़ जाएगा, देश को इस कदर झकझोर कर रख देगा, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये इन युवाओं का दबाव था कि अंग्रेजी सरकार को झक मरा के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको खत्म करवाने के लिए गांधी जी को बराबर बिठाकर समझौता करना पड़ गया था। उस समझौते में हालांकि गांधी जी पूरा जोर लगाते हैं और वो बात भी करते हैं कि भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव को उनके साथ दया दिखाई जानी चाहिए, उनको छोड़ा जाना चाहिए, पर इरविन ने कहा कि चूंकि उन्होंने मर्डर किया और मर्डर के आरोपियों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता,
मैंने और बताया था कि कालांतर में जब 23 मार्च को इनको फांसी लगाई गई और 29 मार्च को कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए जब गांधी जी गए थे तो भगत सिंह के एक संगठन नौजवान भारत सभा के सदस्यों ने गांधी जी के विरोध में नारे लगाए थे, गांधी जी को काले झंडे दिखाए थे। तो नौजवान भारत सभा भगत सिंह की पार्टी हुआ करती थी। 8 अन्य आरोपी जो इनके साथ में थे, जो उस लाहौर षड्यंत्र दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में थे, उनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल की काले पानी की सजा के अंदर भेज दिया गया, जिसकी कहानियां सुनकर रूहें कांप जाए। वहां पर पुनः उन लोगों ने जेल में कैदियों के प्रति की जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल की। एक बार फिर से उसी तरीके से उनको दूध वगैरह पिलाने की, लिक्विड देने की कोशिश की गई। बाकी लोग मेरी तरह कोई दुबले पतले थे तो अंग्रेज जबरदस्ती पकड़ पकड़ा के उनको दे दिया करते थे। महावीर सिंह फिर थोड़ा हट्टा कट्टा था, इसलिए मानता नहीं था, इसलिए एक बार उसको 4-5-10 लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के जमीन पे लिटा के उसके नाक के अंदर पाइप डाली गई। गलती से वो पाइप आहार नली की जगह श्वास नली के अंदर चली गई, फेफड़ों में दूध भर गया। उस वो चिल्लाता रहा लेकिन लगा कि नाटक कर रहा है, यूं अंग्रेज छोड़ के चले गए। फिर वो और चिल्लाया, हेल्प हेल्प चिल्लाया। अंग्रेज अधिकारी भागकर आए, आसपास वाले क्रांतिकारियों ने शोर मचाया कि पहलवान चिल्ला रहा है, पहलवान चिल्ला रहा है। अंग्रेजों को बैरक में देखते ही पता चल गया कि मरने वाला है। उठाकर ले जाने लगे तो पास वाले बैरक से ग्यारसी लाल वापस चिल्लाए कि क्या हुआ है, हमें बताया तो जाए। तब पहलवान ने एक बार थोड़ी सी आंखें खोली और कहा, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। लाश भी वापस घर वालों को नहीं दी गई थी, अंडमान निकोबार के पास बंगाल की खाड़ी में उसकी लाश फेंक दी गई थी। उस भूख हड़ताल में 3 शहीद हुए थे, मोहित मोइत्रा, मोहन किशोर और महावीर सिंह, जिन तीनों के स्टेचू अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के बाहर लगाए गए हैं। विडंबना यह है कि देश के इतिहास में उन विक्रम विप्लवियों को कोई स्थान नहीं दिया गया। कितनी विडंबना है कि हम केवल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के नाम जानते हैं। उस मुकदमे में वे 8 लोग जो काले पानी की सजा काट कर आए थे, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम यह भी नहीं जानते कि देश की आजादी के बाद बटुकेश्वर दत्त जब एक तहसीलदार से कोई पट्टा बनवाने के लिए गए थे तो तहसीलदार ने यह कहकर बाहर निकाल दिया था कि स्वतंत्रता सेनानी होने का तमगा दिया जा चुका, अब क्या पूरे देश को नोचते फिरोगे। हम यह भी नहीं जानते कि वो बटुकेश्वर दत्त अपने अंतिम समय में दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के अंदर तड़प तड़प कर मरे थे, उनके पास जाने वाला कोई भी नेता नहीं था। हम यह भी नहीं जानते कि जब उससे पूछा गया, उस बटुकेश्वर दत्त से, कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मुझे भगत सिंह की मां से मिलवाया जाए। और जब भगत सिंह की मां आई तो उन्होंने कहा कि बेबे एनानू कहना कि मेरी लाश भी वहीं दफनाई जाए या मेरी लाश भी वहीं जलाई जाए जहां पर भगत सिंह की लाश जलाई गई थी। ये विडंबना इस वजह से है कि हिस्ट्री वॉज रिटन बाई विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। विजेता कांग्रेस थी और मैंने जितने नाम गिनाए इनमें से कोई भी कांग्रेसी नहीं था। क्रांतिकारियों के पन्ने यदि 2 पन्नों में समेट कर रख दिए जाते हैं तब ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि वे लोग जो भले ही दूसरी धारा के रहे हो लेकिन यदि देश को आजादी दिलाने में अपने खून का कतरा कतरा तक बहा दिया था, जिनके लिए भले ही आज हम कहते रहे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा और केवल उनके 23 मार्च का दिन जब भी आता उसको शहीद दिवस के रूप में मनाकर या उनकी पुण्यतिथियां और जन्मतिथियां मनाकर अपनी इतिश्री कर ले। पर इस सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब तमाम तुम्हारी योजनाएं गांधी, नेहरू, दीनदयाल और श्यामा प्रसाद और